हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक नए आईपीओ ने आज दस्तक दी है, हर्षा इंजीनियर्स लिमिटेड। ये आईपीओ आज खुल रहा है, आज यानी कि 14 सितंबर को ये आईपीओ खुल रहा है। और इस आईपीओ में क्या करना चाहिए उसके पहले हमें ये जानना होगा कि ये कंपनी क्या करती है, इस कंपनी का बिजनेस क्या है और इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है। और उसके आधार पे हमें ये फैसला लेना चाहिए कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को छोड़ देना चाहिए। फ्रेंड्स, पूरी जानकारी करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। इसके पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है क्या? ये है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रिसीजन बियरिंग केजेस। बियरिंग केजेस बनाने वाली सबसे लार्जेस्ट कंपनी है भारत की, जिसमें कि इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां ये ध्यान रखना होगा कि बियरिंग केजेस में ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, तो ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहां पर आ जाता है ये इस कंपनी के साथ। इस कंपनी के साथ खास बात यह है कि इसका जो क्लाइंटेल है, इसके जो कस्टमर्स हैं, वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और ये 25 देशों में अपना कारोबार इसने फैलाया हुआ है। बिजनेस सेगमेंट क्या है, कौन सा बिजनेस ये करती है? देखिए, दो प्रकार का इनका बिजनेस सेगमेंट है। जो पहला बिजनेस सेगमेंट है वो है इंजीनियरिंग बिजनेस सेगमेंट। इंजीनियरिंग बिजनेस सेगमेंट में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये बियरिंग केजेस, ब्रेस में, स्टील में और पॉलीमेड मटेरियल में, यानी कि तीन प्रकार के इसके मटेरियल इसके हैं और बियरिंग केजेस ही हैं, अलग अलग उनके यूजेस होते हैं। दूसरी चीज है कि कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड प्रिसीजन स्टैम्प्ड कंपोनेंट, वेल्डेड असेंबलीज एंड ब्रेस कास्टिंग एंड केजेस और ब्रॉन्ज ब्रूशेस, ये सारी चीजें जो है B2B सेगमेंट में यहां पे सेल की जाती हैं। दूसरी जो इनकी वर्टिकल है वो है सोलर ईपीसी बिजनेस, सोलर यानी कि ग्रीन एनर्जी। इसके अंदर ये क्या करते हैं, उसके अंदर ये प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव टर्न की सॉल्यूशन, पूरी तरह से टर्न की सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं टू ऑल सोलर फोटोवोल्टेक रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोवाइड्स ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज इन सोलर सेक्टर। यानी कि सोलर सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो, और या जो कंपनी आना चाहती है, न्यू कमर कंपनी आना चाहती है, जो उनके प्लांट्स वगैरह जो ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उसमें ये पूरी तरह से आपको चला के देंगे और उसके साथ साथ ऑपरेशन मेंटेनेंस की सारी सुविधाएं ये प्रोवाइड करेंगे। यानी कि जो भी इनके कस्टमर बन जाएंगे तो वहां से इनको एक रिकरिंग इनकम भी आने लगेगी। ऐसा नहीं कि कस्टमर को एक बार सेल किया और काम खत्म हो जाएगा, इनके रिकरिंग इनकम भी आएंगे। प्लांट की जहां तक बात करें, यानी कि इनकी जो फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो कहां कहां है? देखिए, टोटल मिलाकर के इनके 5 प्लांट हैं और वो प्लांट बहुत, आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इनफैक्ट आपके पड़ोसी देश चाइना में, यानी कि जांगसू में है एक प्लांट इनका, 2 प्लांट इनका अहमदाबाद में है, इनफैक्ट 3 प्लांट है अहमदाबाद में, 2 इसमें चैंगुदर में है, अहमदाबाद के ही पास है, और एक है मौर्या में, मौर्या में एक प्लांट है। यानी टोटल 3 प्लांट आपका जो है वो हो गया गुजरात में, एक चाइना में लेकर के ये चला रहे हैं और दूसरा है गिम्बाब ब्रासोव रोमानिया, रोमानिया में एक प्लांट है। तो टोटल 5 प्लांट हो गया। इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि एक इंडियन कंपनी, उसके 3 प्लांट भारत के अंदर और 2 प्लांट आपके एक पड़ोसी देश चाइना के अंदर और एक रोमानिया के अंदर, तो इसका एडवांटेज इस कंपनी को मिलने वाला है। प्रमोटर्स कौन कौन है? प्रमोटर्स है राजेंद्र शाह, हरीश रंगवाला, विशाल रंगवाला और पिलक शाह। स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की? जो मजबूत पक्ष की बात अगर की जाए, प्लस पॉइंट की, तो ये ऑफर क्या क्या करती है? ये डाइवर्सिफाइड रेंज के जो प्रोडक्ट है, प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जो कि इसका जबरदस्त एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी चीज की बात की जाए तो इनके जो रिलेशनशिप्स हैं, इनके क्लाइंट्स यानी कस्टमर्स के साथ इनके जो रिलेशन है वो काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जो कस्टमर इनके बन जाते हैं, जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट के अंदर अगर ये किस कोई प्लांट चला करके देते हैं तो वहां पर तो भाई मेंटेनेंस की भी बात है, तो मेंटेनेंस करना है तो लॉन्ग टर्म रिलेशन स्वाभाविक सी बात है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्लांट्स, एज आई सेड कि 5 प्लांट है, उसमें से आपका 3 प्लांट भारत में है, 1 रोमानिया में है और 1 प्लांट जो है वो चाइना में है। तो आप उससे क्या कर लेते हो, आप एक्सपोर्ट में आपको जो कॉस्टिंग होती है वो बच जाती है, तो इस तरह से आप ग्लोबली आप जो है मार्केट को
कवर कर लेते हो और आपकी कॉस्ट बचती है। एक्सपर्टीज इन टूलिंग डिजाइन डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन, इनके पास जो भी टीम है और ये पूरी की पूरी जो स्ट्रेंथ है इनकी, टूलिंग डिजाइन और ऑटोमेशन में ये जबरदस्त तरीके से एक काम कर रही है। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं कुछ फाइनेंशियल चीजों को समझते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपनी की है कि नहीं है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईपीएस की, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके अर्निंग्स किस तरह से अभी तक मिले हैं। साल 2019-20 में इस कंपनी को ₹6.26 की ईपीएस थी, साल 2020-21 में ₹9.09 और 2021-22 में ₹11.09, यानी कि ₹6 से जो जर्नी हुई शुरू वो तीन साल में पहुंच गई ₹11.09 तक, ₹5 की इसमें वृद्धि दिखाई देती है तीन साल के अंदर। पीई और अपर प्राइस बैंड से अगर हम यहां पे पीई निकालने की कोशिश करें, अगर यहां पे हम पीई निकालने की कोशिश करें तो वो हो जाता है 29.76। 29.76 यहां पे याद रखिएगा। इसके जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर हैं उनके जो पीई से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसके पीई जो है वो वैल्यूएशन वाइज यहां पे अच्छे हैं। बात करते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, ये परसेंटेज टर्म्स में है, 2019-20 में 5.8% और बढ़ करके ये 2020-21 में हो जाता है 10.49%, और उसके बाद 2021-22 में ये बढ़ करके हो जाता है 17.42%, यानी 5% या 6% के अराउंड जो आपका रिटर्न ऑन नेटवर्थ था वो बढ़ करके आपको 17% तक हो जाता है। दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दिस कंपनी। फ्रेंड्स टोटल एसेट्स की बात की जाए, 2019-20 में ₹973 करोड़ 24 लाख, 2020-21 में 981.07 करोड़ और 2021-22 में 1158.25 करोड़। तो इस तरह से यहां पर ये एसेट्स में वृद्धि आप मार्जिनली देखते हुए चल रहे हैं। टोटल रेवेन्यू की बात करें, 2019-20 में इस कंपनी ने 899.5 करोड़ इतना सेल किया, उसके बाद 2020-21 में 876.73 करोड़ और देन 2021-22 में 1339 करोड़, यानी आपको यहां 900 करोड़ रुपए से जो वृद्धि हुई तीन साल के अंदर, इस कंपनी ने अपने आप को पहुंचा दिया 1340 करोड़ में, यानी एक अच्छा ग्रोथ यहां माना जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट 2019-20 में 21.91 करोड़, 2020-21 में 45.44 करोड़ और 2021-22 में 94.94 करोड़, यानी कहां आपका 21 करोड़ और कहां आपका करीब करीब 95 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि फोर फोल्ड प्रॉफिट ये तीन सालों में ये डिलीवर करके इस कंपनी ने दिया। नेटवर्थ की बात करते हो, 2019-20 में 378.09 करोड़, 2020-21 में 433.22 करोड़, 2021-22 में 527.9 करोड़। तो नेटवर्थ जो है शेयर होल्डर्स का यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिख रहा है। फ्रेंड्स बात करते हैं इस इशू की, तो ये इशू जो है टोटल जो है वो है 755 करोड़ रुपए का। तो 755 करोड़ रुपए में से जो फ्रेश इशू है वो 455 करोड़ रुपए है, यानी ये पैसा जो है वो कंपनी को मिलेगा। और दूसरी पैसे की बात की जाए, ओएफएस की बात की जाए, यानी ऑफर फॉर सेल, जो कि प्रमोटर अपने शेयर बेच रहे होते हैं, तो वो शेयर का जो पैसा है वो है 300 करोड़ रुपए, ये प्रमोटर के पास तो ये पैसा जाएगा। पैसे का प्रयोग क्या होगा, पैसे का प्रयोग होगा कुछ इनके लोन्स हैं उसका ये पहले ही भुगतान करके, ये डेट फ्री होना चाहते हैं, शेड्यूल्ड लोन है, एग्जिस्टिंग बोरोइंग है, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, कुछ मशीन्स इनको खरीदनी है उसके अंदर, तीसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल रिपेयर्स एंड रिनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है उनकी जो भी जो प्लांट्स जो मैंने बताए हैं उसके अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करेंगे, रिनोवेशन करेंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर करनी है। और उसके अलावा और भी कॉरपोरेट खर्चे हैं जो कि उनको यहां इस पैसे से करना है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे ओपनिंग कब हो रही है, आज ओपनिंग हो रही है 14 सितंबर को और क्लोज हो रहा है 16 सितंबर को। फेस वैल्यू इसकी है ₹10 और प्राइस बैंड जो है वो है ₹314 से ₹330। तो इस प्राइस बैंड में आपको इसमें पैसा लगाना है। मिनिमम एप्लीकेशन अगर आप रिटेल कैटेगरी में हैं तो 45 शेयरों का लगा सकते हैं और एक एप्लीकेशन में, यानी कि ₹14,850। मैक्सिमम एप्लीकेशन रिटेल कैटेगरी में 13
585 शेयर के लिए आप 193,050 रुपए का एप्लीकेशन यहां लगा सकते हैं। इनिशिएशन ऑफ रिफंड अगर आपको शेयर नहीं मिलता है तो आपको 22 सितंबर को यहां रिफंड हो जाएगा, और अगर आपको शेयर मिल जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में उसको 23 सितंबर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 26 सितंबर। ये ऑफर जो है वो क्यूआईबी कैटेगरी में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को 50% दिया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल ने एनआईआई को 15% दिया जा रहा है, और आरआईआई यानी रिटेल कैटेगरी को 35% तक दिया जा रहा है। इसके जो पीयर्स हैं, इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो हैं टिमकेन इंडिया, एसकेएफ इंडिया, रोलेक्स रिंग्स, सुंदरम फास्टनर्स। तो इनके जो अगर हम पीई की बात करेंगे तो इनके जो भी कंपनियां हैं इसकी पीई जो है अभी के जो इनके 29 की पीई है उससे ऊपर ही है। फ्रेंड्स सवाल ये उठता है कि क्या करें, अप्लाई करें या फिर इस कंपनी को हम छोड़ दें। यहां पर देखिए इस समय मार्केट सिनेरियो काफी अच्छा हुआ है और 18,000 के आसपास हम लोग बैठे हुए हैं। 18,000 इनफैक्ट क्रॉस कर चुका है कल का मार्केट, तो यहां लिस्टिंग गेन के चांसेस, क्योंकि भाई वो मार्केट के सेंटिमेंट पे डिपेंड करते हैं, उस पर होते हैं। और दूसरी बात कि इस कंपनी के पॉजिटिव जो है ज्यादा है और नेगेटिव हमें कम दिखाई देते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, आप देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम पे चलने वाला जो प्रीमियम है इस समय 220 रुपए है, तो आपको लिस्टिंग गेन यहां मिलना ही है। और इस लिस्टिंग गेन को आप ध्यान में रखते हुए जरूर मेरे हिसाब से, मेरा जो व्यू है ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझिए, तो इस एप्लीकेशन में अप्लाई करना चाहिए। वो लोग जो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी इस कंपनी में निवेश करने के मौके है, अपॉर्चुनिटी है। ये कंपनी क्योंकि ये लार्जेस्ट बियरिंग कंपनी है और इसके जो कस्टमर्स हैं, इनका जो बिजनेस है, इनके जो क्लाइंटेल है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के आधार पर है। रेवेन्यू मॉडल अच्छा है, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है इस आधार पे, और बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी है। पावर में ये सोलर पावर में टर्न की प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो उस आधार पे जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल रहने वाला है। लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की रेंज में भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, और उस आधार पे इसमें बोथ लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के ही आधार पे यहां पे आप निवेशित रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस कंपनी के ऊपर जो ये एनालिसिस की है मैंने, आपको यहां आईपीओ के बारे में क्लियर कट एक सोच डेवलप करने के लिए हेल्प करेगी। फ्रेंड्स इसके पहले कि आप कोई डिसीजन लें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। ये एक ऐसा वीडियो है जो कि मैं केवल एजुकेशन पर्पस से आपके लिए बनाता हूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।